हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। जैसे हम हमेशा चेक करते हैं, वैसे ही हम चेक करने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं तो करंट फीलिंग्स की वीडियोज़ जो आती हैं थर्ड पार्टी के अलावा, आप उसमें देख सकते हैं। आज मैं उसमें 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन लेने वाली हूँ। और कल परसों भी हमने रीडिंग की थी, उसमें हमने 2-2 क्वेश्चन लिए थे। वो जिसके भी हैं आप उनसे देख सकते हैं रीडिंग से। आज मैं राशि के अकॉर्डिंग भी वीडियो डालूंगी, जैसे एयर साइन के अलग से, वाटर साइन के अलग से, और फायर साइन के अलग से, अर्थ साइन के अलग से, इस तरह से मैं जो है वीडियो डालने वाली हूँ। तो उसमें भी मैं क्वेश्चन लूंगी। मैं जितना आपकी हेल्प कर सकती हूँ उतना मैं कर दूंगी, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे भी सपोर्ट दीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स से, अपने लव्ड वन से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वो अच्छी लगती है तो, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रही हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। अगर आपको ये नंबर दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं तो एंजल्स आपको इन नंबरों के माध्यम से क्या कहना चाहती है वो हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। देखिए 2020 अगर आपको दिखता है या फिर 2020 के माध्यम से एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, दो हैं इसके साथ में, ठीक है। तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर 2020 के माध्यम से, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने कनेक्शन के प्रति जो है ऑप्टिमिस्टिक रहिए। जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आपकी पहले तो आप ये देखें कि आपकी हर डिज़ायर्स क्या हैं, ठीक है। आप उस पर्सन को चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं इस लाइफ में, या फिर आपको उनको जो है छोड़कर आगे बढ़ना है, वो आप देख लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पॉजिटिव रहिए। दूसरा यहाँ पर 10-10 जो है, या तो आपको नंबर दिखता होगा या फिर 10-10 के माध्यम से क्या कहना चाहती यूनिवर्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सब कुछ डिवाइन के ऑर्डर से ही हो रहा है, जो भी आपके साथ घटित हो रहे हैं, चाहे पास्ट में था चाहे अभी हो रहा है, वो सब डिवाइन प्लान था और डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ये सब कुछ हुआ है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने फ्यूचर को देखिए, आप फ्यूचर की ज़रूरतों को देखिए। अभी जो है आप क्या चाहते हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचिए, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 11-11 अगर आपको दिखते हैं तो आपकी अवेकनिंग हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी एंजल्स आपको साइन देना चाहते हैं उनको देखिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर 1000 अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप जैसा समय चल रहा है उसके साथ आगे बढ़िए। एंजल्स आपको कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं तो वो आपको जो है कनेक्ट होकर के दे सकते हैं, चाहे वो सपने में दें, चाहे वो आपको जो है नंबरिंग के माध्यम से दें, चाहे फादर के माध्यम से दें, जैसा भी वो देंगे वो आपको दे देंगे। लेकिन आप जो है जैसा समय चल रहा है उसमें आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। 838 अगर आपको दिखती हैं तो योर एंजल्स आर प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू यू एंड योर ट्विन ऑन द एस्ट्रल प्लेन। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंजल्स जो है आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसा आप चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ते जाएं, अभी अवेकनिंग का टाइम है, आप आगे बढ़िए। जो भी एंजल्स के साइन आपको दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए यहाँ पर मैजिकल गेटवे, वाओ गाइस, देखिए चाबी आपके हाथ में दे दी है यूनिवर्स ने, गॉड ने, एंजल्स ने, कि आप अपना दरवाज़ा खोलिए, खुद आप आगे बढ़िए, ठीक है। करेज के साथ में आगे बढ़िए। अगर आप अपना खुद का कोई वेंचर ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गॉड के ऊपर ट्रस्ट करके करेज के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। आपको रिवार्ड जरूर मिलेगा, बोल्डली आप आगे बढ़िए और बिना पीछे मुड़े आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस टाइम जो है एंजल्स आपको देख रहे हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं ना उसके अपोजिट
पर विश्वास करिए, जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं ये काम करूंगा तो उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, और ये तो मेरे से होगा ही नहीं, दूसरा काम जो अगर आप सोच रहे होंगे माइंड में, तो उस दूसरे की तरफ देखिए, ठीक है, और उस पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। मैनिफेस्टेशन, ये कई बार आता है, आप ऑनेस्टली मैनिफेस्ट कीजिए, और जो भी मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में आप करेंगे वो आपकी विशेष जरूर पूरी होंगी, और उसको लिख लिख करके मैनिफेस्ट करिए, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे अपने पार्टनर को चाहते हैं, सोलमेट चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप कोई जॉब करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई अपना खुद का बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं, तो वो सब लिख लिख करके मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, तो वो ज़रूर पूरी होंगी। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। देखिए दूसरे डेक से देख लेते हैं कि और क्या मैसेज है थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन जो अदर पर्सन के साथ फंसे हुए हैं ना, उनकी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मुझे कि आपके पर्सन को इस लेडी ने अपने चंगुल में फंसा लिया है, अपने चंगुल में इसने फंसा लिया है आपके पर्सन को, और ये लेडी हद से ज़्यादा चालाक लेडी है। ये सिर्फ फाइनेंस को देखती है, पर्सन चाहे कैसा भी हो उसके पास फाइनेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के पास काफ़ी स्टेबिलिटी है, हो सकता है आपके पर्सन जॉब करते हों, बिजनेस करते हों, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास काफ़ी स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये लेडी जो है आपके पर्सन को अपने चंगुल में फंसाना चाहती है। हो सकता है कि ये आपके पर्सन के वर्क प्लेस से हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है कि ये उनके साथ काम करती हो और उसने सोचा हो कि यहाँ पर दाल गल जाएगी, और ये आपके पर्सन के साथ डेट पर जाना चाह रही है या जाती भी होगी, ऐसा भी मुझे वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो लेडी है ये मन ही मन आपके पर्सन को बहुत चाहने लगी है, क्योंकि इसको फाइनेंस चाहिए, और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये आपके पर्सन के साथ में शादी करके हैप्पी फैमिली बनाना चाहती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका जो मेन मोटो है वो यही है कि मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आऊं, इससे मैं अपनी फैमिली बनाऊं और एक खुशहाल जीवन जीऊं, मज़े से ठाट करूं, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों, ऐसा वो सोच रही है। तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं, कुछ नेक इरादे मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अब कैसे पता चले, देखिए यहां पर फॉल्स पर्सन, तो यहां पर लोग मुखौटे पहने हुए हैं। इस लेडी के साथ भी कोई जो है जेंट्स मिला हुआ है, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उसने भी मुखौटा पहन रखा है, ठीक है, और यहाँ पर इस लेडी ने भी मुखौटा पहन रखा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों ही चाल चलने वाले हैं, दोनों ही आपके पर्सन को फंसाने के चक्कर में हैं कि इसको किस तरह से फंसाया जाए, इसको किस तरह से अपने कंट्रोल में किया जाए, ये चाल इनकी है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि तो इस लेडी ने आपके पर्सन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये पहले से किसी से मिलती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका कोई पास्ट पर्सन भी है, ठीक है। जो लेडी है ये आपके पर्सन को फंसाने के पूरे चक्कर में है। इस लेडी की जो प्लानिंग है वो ये है कि आपके पर्सन का ट्रस्ट जीता जाए, आपके पर्सन को किसी तरह से अपने कंट्रोल में किया जाए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पूरा जो है उम्मीद लगाकर बैठी है कि ये पर्सन तो मैं कंट्रोल में आसानी से कर लूंगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये काफ़ी ग्लैमरस है, अपनी ब्यूटी से ये जो है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करना चाहती है, इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सुंदर है,
ठीक है, बहुत ही अच्छी है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी ब्यूटीफुल भी है और ये अपनी ब्यूटी पर बहुत ध्यान भी देती है और ऐसे ही लोगों को ये फंसाने के चक्कर में रहती है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके साथ पहले एक ऑलरेडी जेंट्स फंस चुका है और वो इसके साथ मिल करके ये चालाकी चल रहा है, क्योंकि हो सकता है 50-50 का इरादा हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि ये पूरे उम्मीद के साथ बैठी हुई है कि इस पर्सन को तो मुझे कंट्रोल करना ही है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन का सारा पैसा हड़प करके और फिर आपके पर्सन को सड़क पर ला दिया जाए। देखिए, ये फटा पुराना कपड़े पहने हुए बंदा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और पावर्टी, यहाँ पर गरीबी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा गरीबी में आ गया है ये बंदा। तो इस तरह की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को अपने चंगुल में फंसा करके और उसका सारा पैसा हड़प करके फिर धक्के पड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये जिसके साथ में रीडिंग रेजोनेट हो वो देख लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लास्ट में आपके पर्सन की आंखें जब खुलेंगी तो वो अपने जो है बात को कोर्ट में रखेंगे और उनसे डिवोर्स लेने की सोचेंगे, क्योंकि वो पहले ही लूट चुके हैं और थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी बचेगी उसको भी वो हड़पने के चक्कर में रहेगी। इसलिए वो जो है कोर्ट में जा कर के और केस दायर कर सकती हैं, उनसे जो है डिवोर्स ले सकती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लास्ट की सिचुएशन ऐसे तक पहुंचने वाली है या जो अभी फंस चुके हैं वो डिवोर्स तक जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो अदर पर्सन के साथ फंसे हुए हैं, जो फैमिली के अलावा अदर पर्सन है उसके साथ फंसे हुए हैं, तो वो रोड पर लाने वाले हैं उनको। अगर उससे पहले संभल जाते हैं तो दी बेस्ट है, अगर वो उनसे डिवोर्स ले लेते तो उनसे छुटकारा मिल सकता है, वरना वो सड़क पर आने वाले हैं। फैमिली की मैं बात करूँ तो गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है फैमिली में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है जब आपसे मौन होकर गए थे तब से। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि जो अदर पर्सन है ना उससे ज़रूर मौन करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर पावर्टी के जस्ट नीचे ही ये कार्ड है एट ऑफ कप्स का, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन को छोड़ेंगे हार करके। ठीक है, और जिनकी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ ना यहाँ पर, तो फैमिली में जो फंसे हुए हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सारा कर्मा मुझे ही ढोना पड़ रहा है। ठीक है, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को उनकी फैमिली जो है बहुत ही खुश रखने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जब शुरू में गए थे आपसे मौन होकर के, तो उनको ऐसा लगता था कि मेरी सारी विशेष पूरी हो गई हैं, मेन जायदाद प्रॉपर्टी जो पहले शायद नहीं मिलती, लेकिन शादी के बाद तो ये चांसेस मुझे लग रहे हैं। जब मेरे पेरेंट्स मुझे ये कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें सब कुछ मिलेगा या बेटी जो भी हैं आपके लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं, ये सारी ज़मीन जायदाद पैसे सब हमारे आपके ही हैं, आपको कुछ कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से रहिए, चैन से अपनी ज़िंदगी बसर करिए, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें कि इस पर्सन को आप तलाक दे दीजिए। यहाँ पर कुछ केसेस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी फैमिली ये कह रही है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से आउट कर दीजिए, तलाक दे दीजिए, या फिर इसको धक्के मार करके घर से निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर वो ऐसा उनको बहका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपकी सारी विशेष पूरी करेंगे हम, लेकिन आप हमारी एक विश ये ज़रूर पूरी कर दीजिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने डिवोर्स के लिए आपको कहा भी हो, कुछ 5% लोगों ने ऐसा कहा भी होगा अपने पार्टनर से, यानी कि मेरे व्यूअर्स जो है उनसे, कि मुझे तलाक चाहिए या फिर आप मेरे से कभी बात मत करना, कभी मेरी लाइफ में वापस मत आना, मैं आपके बिना ज़िंदगी में खुश हूँ, मेरे से कभी बात मत करना। और शायद उन्होंने जो है मैसेज करके या कॉल करके कह भी दिया होगा, या फिर उन्होंने जो है नोटिस भेज दिया होगा तलाक का, ऐसा भी कुछ केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा गाइस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को उन्होंने इसलिए चंगुल में फंसाया क्योंकि उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है। और गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप रोते बिलखते रहे, आपके पास शायद एक बच्चा भी है, चाहे लड़की हो सकती है चाहे लड़का हो सकता है, ठीक है, और एक पेट भी हो सकता है आपके पास में, और आप काफ़ी मैच्योर हैं, आप उनको समझाने की कोशिश करती हैं कि आप ऐसा ना करें मेरे साथ में, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको नोटिस मिल गया होगा, कोर्ट का जो है नोटिस आपके पास आ गया होगा तलाक के लिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर जो थर्ड पर्सन के साथ फंसे हुए हैं उनको जो है वो नोटिस भेजने वाले हैं कि मैं अभी जो है आपके साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तलाक चाहिए। दोनों में से जो भी आपको रेजोनेट हो वैसे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, उनके पेरेंट्स से उन्होंने डिस्कस किया है, कंसर्न किया है कि भाई मुझे जो है क्या करना चाहिए, तो उन्होंने यही सलाह दी है उनको कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे ही काम करते करते पूरी ज़िंदगी बिता देंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो अब ये देख सकते हैं कि पर्सन कितना उदार
उदास है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर, तो कितना उदास है और काम कर रहा है। तो उसने जो डिसाइड किया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं सड़क पर आ सकता हूँ, पहले ही मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पास मैसेज आने वाला हो या फिर आ चुका हो, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस कि यहाँ पर एक फीमेल का रोल भी है, और जो है एक पर्सन जो वेल्दी है, काफ़ी काफ़ी प्रॉपर्टी है उसके पास में, उसका भी रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं वो आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग है उनकी। यहाँ पर हो सकता है कि आपके मदर इन लॉ और जो फादर इन लॉ हो, या हो सकता है कि आपके भैया भाभी हों, ठीक है, जैसा भी आपको रेजोनेट हो वैसा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फैमिली रूम है जिसमें इनकी मीटिंग चलती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिस्कस किया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है, जो भी मेन जो है मुद्दा उसके ऊपर डिस्कस होता है, तो इनका अलग से एक सीक्रेट रूम है, उसमें बैठ करके आराम से बातें करती हैं ताकि किसी को कोई सुनाई ना दे, और ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें हम कुछ भी नहीं देंगे, और फिर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे, पूरी ज़िंदगी तड़पते रहोगे, और दो दो रुपए के लिए ऐसे ही मरते रहोगे, क्योंकि आपके पर्सन के पास अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है तो उनको ऐसे वर्क करना पड़ेगा। अगर उनके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है तो वो वैसे ही पहले हड़प लेंगे और फिर धक्के पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी चलाक है और इसके पास में पैसे भी बहुत हैं, जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का माइंड यहाँ पर बिल्कुल नहीं चल रहा है, आपके पर्सन को कंट्रोल किया जा रहा है, कि वो जैसा चलाते हैं वैसे ही आपके पर्सन चलती हैं, अपने माइंड का रत्ती भर भी जो है इस्तेमाल नहीं करती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिनकी फैमिली है वो ऐसा कर रही हैं, और जो अदर पर्सन है वो तो उनको लूटने के चक्कर में है, वो तो प्लानिंग कर रहे हैं, मुखौटा पहनकर बैठे हैं वो भी, और इधर जो है फैमिली भी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस बहुत कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपके पर्सन जो अगर आपको खुश दिखते होंगे या खुश दिखाने की कोशिश करते होंगे या आपको एहसास कराते होंगे कि मुझे आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको फ़र्क 101% पड़ता है। वो बहुत उदास हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, उनकी जान जो है वो कहते हैं ना पिंजरे में आ गई हो, ठीक है, और एक जादूगर के पास हो कि भाई तुम्हारी जान इस तोते में है, और इस तोते की जब गर्दन मरोड़ देंगे तो ये तोता मर जाएगा, तो तुम भी मर जाओगे। वो कहानी यहाँ पर हो रही है आपके पर्सन की, इस तरह की सिचुएशन आपके पर्सन की है कि तोते में जान अटकी हुई है। वो कहानी है कि उस थर्ड पार्टी में आपके पर्सन की जान अटकी हुई है, लेकिन अगर वो अदर पर्सन से छुटकारा नहीं पाएंगे तो वो उनको लूट करके उसको सड़क पर ला देंगे। अगर ये फैमिली से नहीं निकलेंगे तो ये वैसे परेशान करेंगे आप मेरे व्यूवर्स को, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, अभी हम देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए गाइस देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, एक मेरे व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि ग्रीन तारा माँ का मैसेज के ऊपर वीडियो बनाइए, अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो ही मैं बनाऊं। अगर 200, 400, 800 व्यू आए या इतने ही लोग देखने के लिए रेडी हों तो फिर मैं क्यों बनाऊं, आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक करके ज़रूर बताएं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है फिफ्थ चक्रा, मुझे लग रहा है कि उनका थ्रोट चक्रा जो है अभी एक्टिवेट हो रहा है, उसमें कुछ हलचल हो रही है, इसलिए वो बोलने के लिए जो है उतावले हो रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं अपने पार्टनर को, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आपसे, हो सकते हैं कम्युनिकेशन करना चाहते हूँ, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स की तरफ तो उनके पार्टनर का कम्युनिकेशन आना शुरू हो गया है, कुछ का आ सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गाइस मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो हैं अभी अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लाना चाहती हैं। उगता सूर्य आप देख सकती हैं, उसकी किरणें यहाँ पर आप देख सकती हैं, और यहाँ पर जो है बटरफ्लाई वगैरह देख सकते हैं आप। तो हो सकता है कि उनका इनर वर्क कंप्लीट हो रहा हो, या वो इनर वर्क करते करते जो है आपकी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में अबंडेंस देना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हर तरह से आपको जो है हेल्प करना चाहते हैं, आपकी जो है सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको फ्रूट्स वगैरह खिला करके या फिर जो है आपकी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रख करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि वो आपकी केयर करना चाहते हैं जो कभी आपने उनकी की थी
की वही केयर वो आपकी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं मन ही मन में ऐसा, और वो आपसे ही अपना संसार भी देखते हैं। और कुछ केसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपकी पास्ट साइकिल जो है, जो पेनफुल साइकिल थी, वो कंप्लीट हो गई है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि वो अभी नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइस मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है पेशेंस रख रहे थे अभी तक, तो काफी टाइम से पेशेंस रख रहे थे, तो ये ऐसे आता था कि काफी पेशेंस रख लिया है, अभी वो पेशेंस रख नहीं पा रहे हैं, इसलिए रिवर्स में आए हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी उनका पेशेंस टूट रहा है, अभी वो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए मैंने बताया था कि वो शायद आपकी केयर करना चाहते, तो यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन, वो आपके साथ में केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बहुत खुश रहना चाहते हैं आपके साथ में ही। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि वो जो है ज़िंदगी में आपको हर खुशी देना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, जो पहले कभी उन्होंने नहीं किया था। क्योंकि देखिए ये जिसके साथ भी रीडिंग रेजोनेट होगी ना गाइस, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी पर्सनल रीडिंग की तरह ही होगी, क्योंकि मेरा दिल कहीं ना कहीं ऐसा कह रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप जो है अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। आपके पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, चाहे थोड़े हैं चाहे ज़्यादा हैं, लेकिन आप अपने गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छे से चला लेते हैं। इनको बहुत ही विश्वास हो गया है आपके ऊपर, ट्रस्ट करते ही आपके ऊपर, और आप कितनी अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं ये देखते हैं ना, तो ये इनका दिल करता है कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा केयर करूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँ। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको पास्ट में इन्होंने बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना दियो, जीरो के बराबर हो, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हुई है गाइस, वो मुझे दिखाई दे रही है कि पॉसिबिलिटी 200% मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप इनकी केयर करते थे, इनको प्यार करते थे, वही पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मिरर कर रहे हैं ये, देखिए यहाँ पर ये कार्ड जो है मिरर कर रहा है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वही सब कुछ ये भी आपके साथ में करना चाहते हैं, वैसे ही आपका भी ख्याल रखना चाहते हैं, वैसे ही आपको खुश भी रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो अभी जो है अगर आपके पास पेंटिकल्स की कमी है तो वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर अबंडेंस लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, मतलब आपको हर खुशी देने की सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके साथ ही हैप्पी फैमिली बनाने की भी सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि मुझे जो है अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली बनानी चाहिए, ऐसा वो देख रहे हैं, ठीक है। और वो सभी को बता देना चाहते हैं कि ये मेरे एक अच्छा पार्टनर है। 7 नंबर का कार्ड है, हो सकता है कि आपको 7-7 दिखते हों, हो सकता है कि आप जो है स्पिरिचुअल पाथ पर हों, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हैं, लेकिन ये अभी सोसाइटी में दिखाना चाहते हैं कि मेरा ये पार्टनर जो है मेरा अच्छा कंपेटिबल पार्टनर है, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं पास्ट को भुला करके, ठीक है। उनको ऐसा भी लगता है कि मेरे साथ में जो है लोग धोखा करते आए हैं, दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है आपको लाइक करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ही सुंदर, नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन देखते हैं। आप अपने आप को किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं, आप अपने किस तरह से लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे व्यूवर्स जो हैं जॉब करते हों, तो वो अपने जॉब और जो है अपने रिलेशनशिप में किस तरह से बैलेंस बना करके आगे बढ़ रहे हैं। और वो आपको जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने ये इतनी बड़ी भूल क्यों कर दी, कि मैं इसे नो कांटेक्ट में चला गया या नो कम्युनिकेशन जोन में चला गया, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस पे चला गया, तो मैंने ऐसे स्टेप क्यों उठाया, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गॉड आपको सपोर्ट कर रहा है, और मेरे ख्याल से तो उनको भी एंजल्स जो है अभी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पितृपक्ष में भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, पितृपक्ष से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वैसे भी श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपको पितृ भी जो है आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप में वो खुशियाँ लाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको गॉड को सरेंडर कर देना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। यहाँ पर है डोर टू वैल्यू, अगर अभी तक आपकी वैल्यू नहीं हुई तो गाइज अभी जो है आपकी पूरी वैल्यू होगी, पूरा आपको जो है सुना जाएगा, आपकी इंपॉर्टेंस को समझा जाएगा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है बैलेंस हो गई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइज यहाँ पर जो है 6 of Wands का कार्ड है, ये बताता है कि विक्ट्री चाहते हैं वो, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। 28
इनको प्लस करेंगे तो 10, और 10 के बाद एक नई बिगनिंग होती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दूर जाना चाहिए, लेकिन आपको देखना चाहिए, एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, एक बार उसके ऊपर जरूर विचार करें और फिर आप कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि रात और दिन सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में यही चलता रहता है। अगर आप अपने मन बहलाने के लिए कोई बुक्स पढ़ते हैं या कोई टीवी वगैरह देखते हैं या फ़ोन देखते हैं तो भी आपके माइंड में आपके पर्सन की तस्वीर घूमती रहती है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पर आग बराबर लगी हुई है, द थिंकिंग मैन। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की भी हालत सेम है। मैंने बताया कि आप लोग मिरर कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है कि आप लोग मिरर कर रहे हैं, तो सेम यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग मिरर कर रहे हैं। आप जैसा सोचते हैं, जैसा वाइब्रेशंस आप एनवायरनमेंट में उनके लिए भेजते हैं, छोड़ते हैं, वैसे ही वो भी, ठीक है। मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि दोनों ही सोच रहे हैं, हद से ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आपको हो सकता है हिचकियाँ आती हो, आपको हो सकता है आपके पर्सन का जो है फेस दिखाई देता हो सकता है कि आपके पर्सन का जो है नाम आपको दिखाई देता हो। देखिए 46 और 47 दोनों कार्ड्स देखिए आगे पीछे ही हैं, तो दोनों पर्सन की फीलिंग्स मुझे सेम दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे गाइस कि आप लोगों का अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि यूनिवर्स भी आपको अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और उनको तो मिलाना ही होगा। अगर आप अलग भी हुए हैं तो वो आप अपने कर्मास करने के लिए अलग हुए हैं। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है वो सिर्फ आपके कर्मास करने के लिए ही हुई थी। थर्ड पार्टी में फंसे हुए जिनके पर्सन, और जो ये सिचुएशन आपकी चल रही है थर्ड पार्टी में, तो वो सब क्यों चल रही है, वो सिर्फ उनके कर्मास हैं, जो धक्के खाने हैं, जो धोखे मिलने हैं, जो मुखौटा पहनकर लोग उनको जो है परेशान कर रहे हैं, वो सब उनके पिछले कर्मों के फल हैं जिसकी वजह से उनको उनका सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ किया हो, पिछले जन्मों में उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से ऐसे लोग उनसे टकरा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो गाइस मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में अटैचमेंट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एक दिन आपके पर्सन जो है आपके पास जरूर आएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, और वो बहुत जल्दी ही आएंगे। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहता है, आपके पितृपक्ष भी यही चाहते हैं कि आप दोनों एक हों। अभी अपने कर्मा जो है पूरे करें, इस पृथ्वी पर जब आप आए हैं तो आपके साथ भी उनके कर्म जुड़े हैं और आपके उनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो कर्म तो पूरे करने ही पड़ेंगे। अब थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही वो भी सोच रहे हैं, चाहे वो आपको दिखाते नहीं, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।